तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब आगे का मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, और में है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और इसके और का जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि ए बी कोई लाइन है, ए बी क्या है, कोई लाइन है, और उसमें पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए मैं ए बी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी इस तरह से, ए बी दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन है ए बी, और इस पे क्या करते हैं, एक पॉइंट्स पी है जो कि ए के नियरेस्ट है, और एक क्यू है, ये भी क्या है, बी के नियरेस्ट है, और ये दोनों पॉइंट्स क्या करता है कि ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वन होगा और ये वन होगा, ये वन होगा, यानी कि तीनों इक्वल पार्ट्स में होगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ए का पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर -2 और 0 है, ठीक है, और बी का जो पॉइंट्स है वो 0 और 8 है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आप देखो यहाँ पे पी एक्स वाई, जो पी का जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा, और क्यू का जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा, आप दोनों की बात करेंगे। देखो पी एक्स वाई क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो पी एक्स वाई क्या क्या होता है, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, ऐसा होता है। और जो y वाले कोऑर्डिनेट होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन होता है। आप इस फॉर्मूला को जानते हो तो निश्चित रूप से आप कर दोगे, अगर इस फॉर्मूला को नहीं जानते हो तो नहीं होगा। यानी x की वैल्यू के लिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे भी एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो आप चलो इसको कर लो, पी एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, पी एक्स वाई को आप देखो यहाँ पे, देखो m कितना है, p के लिए m कितना है, p के लिए m 1 है, p के लिए m कितना है, 1 है, और यहाँ पे जो है ये 2 है। तो m की वैल्यू क्या है, यहाँ m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। आप निश्चित रूप से इसको इसका यूज करेंगे, आपको हो जाएगा। तो अब देखिए m की वैल्यू क्या है, 1 1 इंटू, और एक्स टू की वैल्यू क्या है, 0 है, और प्लस, और एन की वैल्यू क्या है, 2 है, और जो आपका एक्स वन की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर देखो -2 है बाय 2+1, ये हो गया। और यहाँ पर देखो एम की वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू वाई टू की वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है, और प्लस आपको जो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एन की वैल्यू आप देखो 2 है, 2 इंटू, और जो देखो यहाँ पे वाई वन की वैल्यू कितनी है, 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो 2+1, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको करें, देखो 1 इंटू 0 0 -4 हो जाएगा बाय 3, और यहाँ पे 8+0 बाय 3, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखो क्या होगा, -4/3 -4/3 और क्या होगा, 8/3। आपका जो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा -4/3 और 8/3 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करें, हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये CBSE मैथ्स पेपर 2019 का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो चलिए।